हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे आप। चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज हम आरबीसी को लेकर के उपस्थित हुए हैं। और जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था रक्त के बारे में कि रक्त दो चीजों से मिलकर के बना होता है, एक प्लाज्मा और दूसरी रक्त कणिकाएं। ठीक है, प्लाज्मा कितनी होती है? कुल रक्त का 55% होती है। और रक्त कणिकाओं में क्या क्या होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे पहले के जो पहले वाला वीडियो है जिसमें मैंने रक्त परिसंचरण के बाद तंत्र के बारे में बताया था, वहां पर जब हम बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र बताए थे तो वहां पर बाय मिस्टेक एक बार मुझसे गलती से निकल गया। मुझे कसुरकी कहना चाहिए था लेकिन मैंने अकसुरकी कह दिया था मनुष्य के बारे में। ठीक है, चूंकि मनुष्य कसुरकी जंतु है, ठीक है, वो मुझसे बाय मिस्टेक अकसुरकी निकल गया था, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो वहां पर आप सुधार करके कसुरकी ही पढ़ें और उसको कसुरकी ही आप समझें। चलिए, तो आरबीसी, जैसा कि मैंने आपको फुल फॉर्म पहले बता दिया था, इसका पूरा नाम है लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, यहाँ पर कोशिकाएं नहीं होती हैं, कणिकाएं होती हैं। इंग्लिश में कहा जाता है कॉर्पसल्स, यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसल्स। और इनका दूसरा नाम होता है इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, कभी कभी इसी नाम से पूछा जाता है। चलिए इनके बारे में जानते हैं। तो ये कुल रक्त कणिकाओं का लगभग 99% होते हैं, यानी कि जो हमारे रक्त में तीन रक्त कणिकाएं हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, तो उसमें से 99% सिर्फ आरबीसी होती है, बाकी 1% में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, 99%। और इनका निर्माण कहां होता है? ये लाल अस्थि मज्जा, यानी कि रेड बोन मैरो। ठीक है, अभी देखिए अस्थि मज्जा क्या होती है। ठीक है, तो मैं आपको समझा दूं कि जो बड़ी बड़ी हड्डियां होती हैं इस प्रकार की, ठीक है, उनके बीच में आप देखते हैं कि कुछ खाली स्थान होता है, यानी कि वो खोखली होती हैं, और उन मोटी हड्डियों के बीच में एक लिक्विड भरा रहता है, एक द्रव भरा रहता है, चिपचिपा टाइप का द्रव भरा रहता है, उसी को कहा जाता है बोन मैरो या अस्थि मज्जा। ठीक है, और ये दो प्रकार की होती है, लाल और पीली होती है, लाल और पीली। ठीक है, तो जो लाल अस्थि मज्जा है उसी में आरबीसी का निर्माण होता है। ठीक है, और ये केवल कशेरुकी प्राणी, यानी जो कशेरुकी, यानी कि बताया था हमने जिनका रीढ़ की हड्डी होती है, ऐसे प्राणियों को कशेरुकी या वर्टिब्रेट जंतु कहा जाता है। तो ये केवल कशेरुकी प्राणियों में ही पाई जाती है, कौन? आरबीसी। ठीक, और इनका मुख्य अवयव क्या है? इनका मुख्य अवयव है हीमोग्लोबिन, यानी कि इसमें हीमोग्लोबिन मुख्य रूप से पाया जाता है। ठीक है, फिर इसके बारे में देख लेते हैं हीमोग्लोबिन कैसे बना। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, हीम और ग्लोबिन, यानी कि हीम, ठीक, हीम का अर्थ क्या है? लोहे से है। और ग्लोबिन क्या है? ग्लोबिन एक प्रोटीन है। ये परीक्षा पे कोई तोड़ के पूछ ले जाता है कि ग्लोबिन क्या है या रक्त में जो है कौन सा प्रोटीन होता है, तो ग्लोबिन नाम का रक्त में एक प्रोटीन होता है। और हीम का अर्थ क्या है? लोहा, अर्थात लोहे का यौगिक है, और इसी लोहे के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है। ठीक है, और जब ये हीमोग्लोबिन नाक के द्वारा ली गई ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो एक नया यौगिक बनाता है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ठीक है, और इसी ऑक्सीहीमोग्लोबिन के रूप में रक्त का संचार होता है हमारे शरीर में। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिलकर के एक अस्थायी यौगिक बनाते हैं, और फेफड़ों से लेकर के कोशिका तक का सफर ये एक साथ तय करते हैं, और कोशिकाओं में जाकर के ऑक्सीजन अलग, हीमोग्लोबिन अलग, और ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो गया भोजन को जलाने में या पचाने में, और जो बचा हुआ हीमोग्लोबिन था उसने CO2 को कैरी किया और बाहर ला के छोड़ दिया, कहां पर? फेफड़ों में, और फेफड़ों से बाहर निकल गई नाक के द्वारा वायुमंडल में। ठीक है, तो इस ऑक्सीहीमोग्लोबिन या फिर इस लोहे की हीम की वजह से ही रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने तुझे एक कस्तूरी हिरण और सलामेंडर लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हम बाद में बताएंगे मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है, इसके लिए खास क्या है। आगे देखते हैं आरबीसी का काम क्या है। ये हमारे शरीर को ताप नियंत्रण भी करते हैं, यानी बॉडी के टेम्परेचर को बनाए रखते हैं। ठीक है, और अगर आरबीसी की संख्या कम हो जाए, अगर घट जाए, तो क्या होगा? एनीमिया हो जाएगा, यानी कि अरक्त बीमारी होती है एनीमिया, जिसमें कि आरबीसी की संख्या घट जाती है या
खून की शरीर में कमी हो जाती है, रक्त की कमी हो जाती है, ऐसी अवस्था को कहा जाता है एनीमिया या अरक्तता। और ये समस्या इनको ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा जो गर्भवती महिलाएं यानी जिनके गर्भ में या पेट में बच्चा पल रहा होता है, ठीक, गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनको ये समस्या ज्यादा होती है, कौन सी, एनीमिया की। इसीलिए डॉक्टर उनको हमेशा आयरन और फोलिक अम्ल की दवाएं खाने की सलाह देते हैं कि आप जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती, जब तक आपके गर्भ में बच्चे पल पल रहा है, तब तक आप आयरन और फोलिक एसिड गोलियां खाइए, ताकि आप कहीं एनीमिया से ग्रसित ना हो जाएं, कहीं आपके शरीर में आरबीसी या खून की कमी ना हो जाए। ठीक है, आरबीसी की संख्या कितनी होती है, तो आरबीसी संख्या पुरुषों और महिलाओं में अलग अलग होती है। पुरुषों में कितनी होती है, ये होती 54 लाख प्रति घन मिलीमीटर, और महिलाओं में होती है 48 लाख प्रति घन मिलीमीटर। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास एक घन मिलीमीटर रक्त है इतना, ठीक है, यानी कि एक घन मिलीमीटर कितना होगा, जिसके एक कोई मतलब छोटा सा डिब्बा हो, बर्तन हो, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी हो, एक मिलीमीटर हो, वही तो घन होगा, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। तो इसमें जो रक्त भरा हुआ है, ठीक है, इसमें अगर हम आरबीसी काउंट करना चाहे, किसके रक्त में, पुरुष के रक्त में अगर आरबीसी काउंट करना चाहे, तो कितनी निकलेंगी, 54 लाख निकलेंगे, ठीक है, लगभग। और महिलाओं में कितनी निकलेंगी, ये 48 लाख के आसपास निकलेंगी। ठीक है, तो महिलाओं और पुरुषों में आरबीसी की संख्या डिफरेंट होती है, पुरुषों में ज्यादा होती है और महिलाओं में कम होती है। ठीक है, अब देखिए आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो सामान्यतः आरबीसी का जीवन काल 120 से 125 दिन के आसपास होता है। ठीक है, ये वयस्कों की बात हो रही है। और भ्रूण में, यानी कि जब भ्रूण अपने यानी बच्चा जब अपनी माँ के पेट में होता है, तो वहां पर आरबीसी का जीवन काल ज्यादा होता है, यानी कि लगभग 160 दिन के आसपास होता है। किसमें, ये होता है भ्रूण में, भ्रूण। और वैसा सामान्यतः कितना होता है, 120 से 125 दिन होता है, और भ्रूण में कितना होता है, लगभग 160 दिन के आसपास होता है। ठीक है, और खास बात यह है कि ये स्तनधारियों के आरबीसी में, जो भी स्तनधारी जंतु हैं, उनके आरबीसी में केंद्रक और अन्य कोशिकांग नहीं होते, यानी कि एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, ना ही केंद्रक होता है, ना ही अन्य कोशिकांग होते हैं। लेकिन इस बात का अपवाद है कौन सा, एक ऊंट जानवर होता है जिसको हम कहते हैं कैमल। ठीक है, कैमल और लामा। ठीक है, लामा क्या है, लामा भी एक ऊंट की प्रजाति का एक जानवर है, और ये आज से लगभग 40 मिलियन वर्ष पहले ये उत्तरी अमेरिका में पाया जाता था, अब नहीं मिलता है ये। ठीक है, तो लामा भी ऊंट की प्रजाति जंतु है। ये दोनों ऐसे जंतु हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक और अन्य कोशिकांग उपस्थित होते हैं। ठीक है, लेकिन आप यहां देखिए कि स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक और कोशिकांग अनुपस्थित है, लेकिन ऊंट और लामा दोनों स्तनधारी हैं, लेकिन इनके आरबीसी में केंद्रक और कोशिकांग उपस्थित हैं, यानी कि ये इस बात के अपवाद हैं कि इनके आरबीसी में केंद्रक और कोशिकांग होते हैं। ठीक है, अब देखिए कस्तूरी हिरण और सेलामेंडर। ठीक है, तो ये इसलिए लिखा हुआ है कि कस्तूरी हिरण की आरबीसी सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी, सॉरी उल्टा मैंने बोल दिया, क्षमा चाहता हूं, कस्तूरी हिरण की आरबीसी सबसे छोटी होती है, सबसे छोटी, और सेलामेंडर की आरबीसी सबसे बड़ी होती है। ठीक है, कस्तूरी हिरण तो आप जानते ही होंगे, ठीक है, जंगलों में रहता है जंतु कस्तूरी हिरण, इसकी आरबीसी सबसे छोटी होती है। और सेलामेंडर क्या है, सेलामेंडर आप ऐसे समझिए कि जैसे आपने मगरमच्छ देखा होगा, ठीक है, तो जितना छोटा मगरमच्छ का बच्चा होता है, कुछ इसके शरीर की बनावट ही ऐसी ही होती है, और ये लगभग उसी प्रजाति का होता है। ठीक है, लेकिन मगरमच्छ वो नहीं है, मतलब उसके शरीर की जैसी बनावट इसकी होती है, आकार उसके बच्चे जैसा होता है, छोटा होता है काफी। ठीक है, और तो ये जो सेलामेंडर है, ठीक है, ये यूनिक प्रजाति का होता है, मगरमच्छ की प्रजाति का होता है, आकार बहुत छोटा होता है, तो इसकी आरबीसी सबसे बड़ी होती है, और कस्तूरी हिरण की आरबीसी सबसे छोटी होती है। कभी कभी परीक्षा में पूछ दिया जाता है कि निम्न में से किस जंतु की आरबीसी सबसे बड़ी है या सबसे छोटी है। ठीक है, या ये पूछ दिया जाता है कि
ऊंट के आरबीसी में केंद्रक या कोशिकांग होते हैं या नहीं होते, अनुपस्थित होते, कैसे होते, ठीक है। तो आपको बता दिया कि ऊंट और लामा इस बात की अब बात है जिनके आरबीसी में केंद्रक और अन्य कोशिकांग उपस्थित होते हैं, जबकि अन्य स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक और अन्य कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। तो ये थी एक आरबीसी के बारे में पूरी आपको जानकारी, आरबीसी क्या होते हैं और इनका निर्माण कैसे होता है, इनका कार्य क्या है, कितनी संख्या होनी चाहिए, ठीक है। अगर कमी हो जाए तो क्या समस्या होगी, एनीमिया जैसा रोग हो सकता है, ठीक है। और इसके बाद जो अगला वीडियो होगा उसमें हम आपको WBC और प्लेटलेट्स के बारे में बताएंगे, ठीक है, कि WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं क्या है और प्लेटलेट्स क्या होती है, अगर इनकी संख्या कम और ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।